यूपी के जिला जालौन में कुठौंद थाना अध्यक्ष के द्वारा 24 घंटे में किया गया चोरी का खुलासा। कुठौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्र अधिकारी जालौन उमेश पांडे के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में कुठौंद थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर मदारीपुर सिरसा रोड से रविन्द्र कुमार पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम मोहनपुर कुदारी कोतवाली जालौन को चोरी के 100% माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि ये जो सामान बरामद हुआ है उसे 4 दिसंबर को रात्रि में कस्बा कुठौंद में माधोगढ़ चौराहे पर स्थित एक दुकान से चोरी किया था। ये देखिए थाना कुठौंद का मामला है। 5 तारीख यानी कल सोनू यादव पुत्र देव सिंह निवासी ग्राम धर्मपुरा बरेला थाना कुठौंद के द्वारा सूचना दी गई कि 4 तारीख की रात्रि में उनके यहाँ जो दुकान है उनकी दुकान से दुकान की पटिया और प्लाई तोड़कर गुटखा बीड़ी सिगरेट इत्यादि कुल जो सामान है उनका 12,000 का लगभग सामान था और 2300 रुपये चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में थाना कुठौंद की पुलिस द्वारा काफ़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर में ही अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम अभियुक्त का नाम रविन्द्र कुमार पुत्र छत्रपाल है, निवासी ग्राम मोहनपुर कुदारी थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन का रहने वाला है और इसके पास से 100% माल की बरामदगी की गई है और इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके कुछ और अन्य साथी अभी इनका कोई अन्य साथी नहीं प्रकाश में आया है। ये इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है और माल 100% 24 घंटे के अंदर में बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तलाशी लेने पर उसके पास से कई ब्रांड की सिगरेट के डिब्बे और बीड़ी के बंडल बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि 4 दिसंबर की रात्रि में सोनू यादव पुत्र देव सिंह निवासी ग्राम धर्मपुरा बरेला की दुकान माधोगढ़ चौराहे पर स्थित थी, जिससे चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत थाना कुठौंद में 5 दिसंबर को एक लिखित शिकायती पत्र दिया था, जिसके संबंध में थाना कुठौंद पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, कुठौंद थाना अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी के साथ चोरी का खुलासा कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक अखिलेश द्विवेदी, उप निरीक्षक रिंकू चौधरी, कांस्टेबल धीरज कुमार, आरक्षी चालक शैलेंद्र सिंह आदि टीम में शामिल रहे।